नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत का बुधवार को तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया, जिससे पूरे देश में शोक की लहर है और पूरा देश इस समय सदमे में है। सीडीएस बिपिन रावत के अलावा इस हादसे में उनकी पत्नी समेत 12 और लोगों ने अपनी जान गंवा दी। आज बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका के पार्थिव शरीर को मिलिट्री विमान से दिल्ली लाया जाएगा। शुक्रवार को जनरल रावत के अंतिम दर्शन के लिए उनका शव उनके आवास पर रखा जाएगा। सीडीएस बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन के बाद से पूरे देश में शोक की लहर है। इसी कड़ी में शहीद स्मारक पर इकट्ठा हुए भूतपूर्व सैनिकों ने पूर्व सैनिक संगठन अध्यक्ष के खिलाफ सिंह दानू के नेतृत्व में शोक सभा का आयोजन किया। इस दौरान तमाम पूर्व सैनिकों सहित वरिष्ठ नागरिकों और स्थानीय लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की। संगठन अध्यक्ष खिलाफ सिंह दानू ने कहा कि सीडीएस बिपिन रावत का इस तरह से चले जाना एक अपूर्णीय क्षति है, जिसे कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे में पूरे देश में इस समय आपको बता दें शोक की लहर है, चाहे वो उत्तराखंड हो या फिर देश का कोई भी हिस्सा हो, हर कोई आज नम आंखों से सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दे रहा है। सैनिक होने के नाते सैनिक का यह कर्तव्य बनता है कि अपने सैनिक हमारा सर्वोच्च पद पर बने अधिकारी जो हमारे बीच से निकल गए चले गए, उनके लिए हम पूरे उत्तराखंड ही नहीं पूरा देश हिंदुस्तान का आज दुखद है, बड़ी दुख प्रकट करता है। और साथ में हमारे यहाँ के जो भी पूर्व सैनिक हैं उनके अनुरोध से आज हमने यहाँ पर जो 2 मिनट का मौन और साथ में उनको श्रद्धांजलि दी है, उनके परिवार और उनके आत्मा को शांति मिलने के लिए ये हमने प्रोग्राम किया था। शांभवी पीठाधीश व स्वामी आनंद स्वरूप जी महाराज अध्यक्ष शंकराचार्य ने बिपिन रावत के शहीद होने पर दुख जाहिर किया है और कहा कि हमने एक उत्तराखंड का ऐसा व्यक्ति खोया है जिसको संत समाज हमेशा दिलों में याद रखेगा। और मैं देश के प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं कि एक दिन का राष्ट्रीय शोक होना चाहिए, क्योंकि बिपिन रावत एक सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वो पूरे भारत के सेना के बहुत बड़े अधिकारी थे। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे देश में शोक की लहर है। आपको बता दें कि पौड़ी गढ़वाल में ही बिपिन रावत का जन्म हुआ था, इसलिए उत्तराखंड में भी हर किसी की आंखें आज नम हैं और कल उत्तराखंड में ही उनको अंतिम विदाई जो है वो दी जाएगी। सीडीएस बिपिन रावत साहब कल सपत्नीक उनका गोलोक गमन हो गया। यह हमारे उत्तराखंड वासियों के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। जब भी उत्तराखंड आते थे तो उत्तराखंड के विकास, भारत की संस्कृति के विकास के लिए लोगों से बातचीत करते थे। अति विनम्र व्यक्ति बिपिन रावत साहब का जाना संत समाज को भी एक गहरा सदमा लगाया है। मैं भगवान से यह प्रार्थना करता हूं कि इस पुण्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें और परिवार को जीने की शक्ति दें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सीडीएस जनरल बिपिन रावत के आकस्मिक निधन पर गहरा दुख जताया है और प्रदेश में 3 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की है। जनरल रावत के निधन पर प्रदेश में 9 से 11 दिसंबर तक 3 दिनों का राजकीय शोक रहेगा। मुख्यमंत्री ने रावत के निधन को देश के लिए अपूर्णीय क्षति बताया और कहा कि उत्तराखंड को अपने इस सपूत पर हमेशा गर्व रहेगा। शोक संदेश में धामी ने जनरल बिपिन रावत की पत्नी मधुलिका और कई लोगों के निधन पर गहरा दुख जताते हुए दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। उन्होंने ईश्वर से शोक संतप्त परिजनों को ये दुख सहने और शक्ति देने की भी प्रार्थना की। तो ऐसे में आपको बता दें कि उत्तराखंड में भी शोक की लहर देखी जा सकती है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी
आपको बता दें कि श्रद्धांजलि विपिन रावत को दी। उन्होंने कहा कि परिवार को ये दुख सहने की ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हिम्मत दें। साथ ही आपको ये भी बता दें, 3 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा भी उत्तराखंड में की गई है, यानी कि आज, कल और परसों 9, 10, 11 दिसंबर को पूरे उत्तराखंड में राजकीय शोक जो है वो रहेगा। जनरल विपिन रावत जी के जाने से उनकी मृत्यु का जैसे ही संदेश मिला है, सारे उत्तराखंडवासी, पूरे भारतवासी सब बहुत दुखी हैं। उनका जाना निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी क्षति है जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। और उन्होंने एक, मैं व्यक्तिगत रूप से भी, क्योंकि उनका जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है, साथ ही साथ भारत के साथ उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी क्षति है। एक सैनिक पुत्र होने के नाते हमेशा उनके अंदर इतनी सादगी, सरलता थी कि हमेशा वो मेरा मार्गदर्शन करते रहते थे। अभी कुछ दिनों के अंतराल में ही मुझे उनके साथ मेरे पिताजी की जो रेजिमेंट है, महार रेजिमेंट के सेंटर में उनके साथ जाना था, लेकिन बीच में ही नियति को कुछ और मंजूर था। सीडीएस विपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन के बाद से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ पड़ी है और इसी कड़ी में त्रिवेणी घाट पर गंगा माँ के तट पर लोग इकट्ठा हुए और भूतपूर्व सैनिक ने पूर्व सैनिक संगठन के बलवंत सिंह के नेतृत्व में शोक सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान तमाम पूर्व सैनिकों ने 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, गंगा मैया से उनके परिजनों को शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की और कहा कि सीडीएस विपिन रावत का इस तरह से चले जाना एक अपूर्णीय क्षति है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं ऋषिकेश के त्रिवेदी घाट की, जहां पर पूर्व सैनिकों ने ये श्रद्धांजलि सीडीएस विपिन रावत को दी। शोक सभा का आयोजन किया गया, 2 मिनट का मौन भी रखा गया और ऐसे में हर कोई जो है नम आंखों से आज विपिन रावत को श्रद्धांजलि दे रहा है। सभी लोग यहां पे गंगा मैया के तट पर आज खड़े हुए हैं और आज का खड़ा होने का उद्देश्य हमारा, आज हम यहाँ पे हमारे जो जनरल सीडीएस विपिन रावत जी और उनके सहयोगी टीम, जो एक आकस्मिक जो है उनका देहांत हुआ है, आकस्मिक जो दुर्घटना हुई है उसके हमें बड़ा खेद है। आज हमारे उत्तराखंड के पहले जो सीडीएस थे, मूल रूप से हमारे उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले थे, आज उनका जो है देहांत हो गया। मान्यवर, कल जो ये दुखद घटना हुई है, जो तमिलनाडु में हमारे वायुसेना, हमारे थलसेना प्रमुख सीडीएस विपिन रावत जी और उनके साथ जो हमारे 12 सैनिक, एक सीडीएस जी, एक उनकी पत्नी जो एक्सपायर हुए हैं, इसका हमें खेद है। बहुत दुखद असहनीय घटना ये हमारे सैनिक परिवार के लिए। विपिन रावत जी ने जो ये कश्मीर में ऑल आउट अभियान जो चलाया था, जिसके कारण कि कश्मीर जो है आतंकवादियों से विहीन, लमसम सब समाप्त हो चुका था, ये उनका जो कदम था ये कभी ना भुलाया जाने वाला है। चलिए ऋषिकेश से हमारे संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, जिस तरह से ऋषिकेश से भी तस्वीरें सामने आ रही हैं विपिन रावत के निधन के बाद पूरे देश में, पूरे उत्तराखंड में शोक की लहर इस समय देखी जा सकती है। जी, यहाँ पर काफी लोग उनकी इस दुर्घटना को सुनकर काफी दुखी है और साथ ही जो यहाँ पर पूर्व सैनिक थे, उन्होंने अपना संगठन है उनका, तो संगठन के तहत उन्होंने यहाँ पर त्रिवेणी घाट पे आके माँ गंगा से उन्होंने एक प्रार्थना करी और एक शोक सभा रखी, जिसमें उन्होंने जितने भी वहाँ दुर्घटना में मरे हैं और विपिन रावत जो सीडीएस थे, उनकी वाइफ और उनके नाम, ये उन्होंने प्रार्थना करी और जो वहाँ एक तिरंगा झंडा है उसको भी झुकवाया गया उस टाइम की, जो भी हुआ है उनके लिए भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उन्हें अपने चरणों में जगह दे, इस तरह की बात उन्होंने करी और सभी लोग काफी दुखी और गमगीन दिख रहे थे। जी बिल्कुल संजय, और इसीलिए मुख्यमंत्री की तरफ से 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा भी की गई है। और अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात की जाए तो वो भी वहां पर अब उनके विपिन रावत के घर पर पहुंचने वाले होंगे, क्योंकि जानकारी मिल रही थी कि वो उनके घर पर जाएंगे। जी हाँ, यहाँ से लगभग 60-65 किलोमीटर उनका घर पड़ता है और वो पहुंचने वाले होंगे, हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं। और जो ये पूरा प्रदेश है ये एक सैनिक प्रदेश की तरह देखा जाता है, क्योंकि हर घर से कोई ना कोई पुलिस में या आर्मी में या पैरामिलिट्री फोर्स में, हर घर से कोई ना कोई है, इसलिए इस प्रदेश में सैनिकों की जो एक तादाद है उसको बहुत ही दूसरे तरीके से जाता है, उनको बहुत ही
सम्मान के साथ उनको देखा जाता है और मुख्यमंत्री भी अब उनके घर जाकर इसी बात को कहेंगे कि जो उनकी शहादत है वो बहुत बड़ी शहादत है, वो इस शहादत को देखते हुए वो उनके घर गए और उनको सांत्वना देंगे उनके परिवार को। जी चलिए ठीक है संजय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ऐसे में ऋषिकेश की तस्वीरें देख सकते हैं, त्रिवेणी घाट पर भी पूर्व सैनिकों ने बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी है। ऋषिकेश के यमकेश्वर विधायक ऋतु खंडूरी ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुरिका रावत के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विधायक ने दिवंगत आत्माओं की शांति और परिजनों को धैर्य प्रदान करने की प्रार्थना की। अपने शोक संदेश में उन्होंने कहा कि देश के प्रथम रक्षा प्रमुख उत्तराखंड के वीर सपूत जनरल बिपिन रावत देश का गौरव थे, वो एक सरल और जाबाज वीर थे। CDS जनरल बिपिन रावत का इस तरह से निधन अत्यंत दुखद और अपूर्णीय क्षति है। आज राष्ट्र ने एक बहादुर बेटे को खोया है। उत्तराखंड ने एक वीर सपूत को खोया है। जनरल बिपिन रावत की आज एयर क्रैश में मृत्यु हुई है। उत्तराखंड के रत्न यमकेश्वर के छोटे से गांव सेना के गौरव आज हमारे बीच में नहीं रहे। ये एक अपूर्णीय क्षति है यमकेश्वर के लिए, उत्तराखंड के लिए और भारत के लिए। सेना में रह के उन्होंने अभूतपूर्व कार्य इस देश के लिए किए हैं। CDS बिपिन रावत जी के आकस्मिक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद होने पर सारा देश शोक की लहर में डूब चुका है। विशेषकर हमारे पौड़ी जनपद के विकास खंड द्वारिखाल के ग्राम पिरमोली सैण में इस हृदय विदारक घटना से हम लोग स्तब्ध और दुख की घड़ी में शोक की लहर में डूबे हैं।